Good morning, students. This is the lecture for class 8. Okay, in this chapter we will learn about the establishment of the company power. Okay, when we talk about the establishment of the company power, that means we are going to talk about the establishment of the East India Company. Okay, my dear students, we all know that in 1526 there is the first battle of Panipat took place in 1526, okay, between Ibrahim Lodi and Babur. Okay, जो पानीपत का युद्ध हुआ था बेटा, इसमें क्या हुआ था, जो बाबर है वो इब्राहिम लोदी को हरा के, मतलब लोदी डायनेस्टी के किंग कौन थे, इब्राहिम लोदी, उसको हरा के और एस्टेब्लिशमेंट किया था एक न्यू डायनेस्टी का बाबर ने. उस डायनेस्टी का नाम क्या था, मुगल डायनेस्टी. ठीक है, और उसी पानीपत के युद्ध से क्या हुआ, इंड हुआ दिल्ली सुल्तनत का. ओके, और 1526 से मुगल डायनेस्टी का शुरुआत हुआ. ठीक है, मुगल डायनेस्टी अलग अलग शासकों में अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचा. ठीक है, जब 1658 में क्या हुआ, औरंगजेब का शासन काल आया 1658 में, और औरंगजेब जो है 1707 तक 1707 तक रूल किया. ठीक है बेटा, औरंगजेब कब तक रूल किया, औरंगजेब 1658 टू 1707 टिल औरंगजेब, जब तक औरंगजेब का शासन था, मुगल डायनेस्टी इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में था. बट आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, औरंगजेब के मरने के बाद क्या हुआ, मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया. मींस द प्रीडेसर ऑफ औरंगजेब वाज नॉट कैपेबल टू रूल इंडिया. ठीक है, और इंडिया क्या हुआ, क्योंकि दिल्ली क्या हुआ, वीक हो गया था. ठीक है, जब वो वीक हो गया था तो स्मॉल स्मॉल स्टेट जो है, स्मॉल स्मॉल प्रोविंस जो हुआ करते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए. एंड बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद डिक्लेयर हिमसेल्फ द इंडिपेंडेंट किंग, द नवाब ऑफ बंगाल डिक्लेयर हिमसेल्फ द इंडिपेंडेंट किंग. अब देखो इसका डिक्लाइन मुगल डायनेस्टी का जो 1707 से लेके 1707 टू 1857 जो ये पीरियड है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटर मुगल. लैटर मुगल मींस जो 1707 से लेके 1857 तक जो मुगल डायनेस्टी में रूल करते थे दिल्ली में, वो वीक हुआ करते थे, कमजोर हुआ करते थे. ठीक है, वो उतने पावरफुल नहीं हुआ करते थे. That's why they are called later Mughal. और ये पीरियड है 1707 से 1857 तक, ये पीरियड क्या है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होगा तो किसी ना किसी पावर का तो उभर के बाहर आएगा. तो क्या हो रहा था, कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पावरफुल होते जा रही थी. तो इसी तरह क्या हुआ, हम लोग आज पढ़ेंगे पूरे कंपनी के बारे में, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया, अपना एस्टेब्लिशमेंट क्या, जब पर्पस क्या था, सिर्फ बिजनेस ग्रो करने का कॉमर्शियल पर्पस था, एंड द कॉमर्शियल पर्पस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिकल पर्पस. ओके, दिस ऑल वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, 1707 टू 1857 लेटर मुगल. ओके, अब देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि इनका डिक्लाइन का कारण क्या था. द फर्स्ट कॉज वी मस्ट रिमेंबर व्हाट, दे आर वीक, incompatible to rule India. Okay, this was the first one. Second was the rise of the Marathas. Maratha क्या कर रहे थे? Maratha try to control over the Delhi. इसके लिए बहुत सारे
युद्ध लड़ा जा रहा था, बहुत सारे वॉर हो रहे थे, ठीक है। जो लोकल रूलर वॉर थे वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में देख रहे थे, ठीक है। मतलब देखो बेटा, जब कोई सेंट्रल पावर वीक होगा ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रोविंशियल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यही सिचुएशन हुआ किसके पीरियड में, 1797 से लेके 1857 तक, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि किस किस तरह से हाउ ब्रिटिश जो है अपना कंट्रोल भारत में जमाए, ठीक है। याद रखना बेटा कि जो सबसे पहले, ठीक है, जो सबसे पहले भारत इंडिया आने वाला ब्रिटिशर कौन था, हु वर द फर्स्ट ब्रिटिशर टू केम टू इंडिया, हिज नेम वाज जॉन मिलिटन, जॉन मिलिटन हॉल, जॉन मिलिटन हॉल, ठीक है, जॉन मिलिटन हॉल, जॉन MILAN हॉल, ठीक है, जॉन मिलिटन हॉल, ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू केम टू इंडिया, ओके, एंड ही केम टू द इंडिया थ्रू द लैंड रूट, ऑलवेज रिमेंबर, ही केम टू इंडिया थ्रू द लैंड रूट, ओके। तो जॉन मिलिटन हॉल वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू केम टू इंडिया थ्रू द लैंड रूट, ओके। एंड आफ्टर जॉन मिलिटन देयर इज अनदर पर्सन हुज नेम इज राफेल Finch, and he was the person to visit Orange Court. If someone asks who was the first person to visit India through land route, then his name is John Mellin Hall. Okay, and the first person to visit Orange Court was Raphael Finch. Okay. Raphael Finch was the first person to visit Orange Court, ठीक है। And after that, my dear students, these two person came to India through the land route, okay? Now who was the first person came to India through sea route, okay? Sea route, my dear student, in 1488. In 1481, there was discovery of Cape of Good Hope. क्या हुआ? 1488 किस चीज का खोज हुआ? Cape of Good Hope. And who will discover the Cape of Good Hope? Cape of Good Hope was discovered by Bartolomeo Dias. Bartolomeo Dias discovered Cape of Good Hope during 1488. और ये Cape of Good Hope कहाँ है? एक coastal region है African continent का, ठीक है? African continent का एक coastal region है। कौन सा coastal region है? Eastern coast है। किसका? Africa, ठीक है? Africa का eastern coast क्या? Cape of Good Hope। तो जो Bartolomeo Dias जो थे, वो 1488 में केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका का एक ईस्टर्न कोस्ट पे जगह है वहां तक पहुंचे, फिर वहां से यूरोप रिटर्न हो गए, ठीक है। जो बार्टोलोमियो डियास थे वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से आगे फॉरवर्ड इंडिया की ओर नहीं मूव किए थे, ठीक है। तो जब केप ऑफ गुड होप का डिस्कवर हो गया 1488 में, ठीक है, तो इसी के बाद 1498 में एक पुर्तगाल जो हुआ करते थे, पुर्तगाल कौन, वास्को डी गामा केम टू इंडिया थ्रू दिस रूट, ओके। क्या हुआ जब 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप की ओर पहुंचे, वहां पर उनको एक मर्चेंट मिला, इंडियन मर्चेंट मिला, वो उनको वहां से इंडिया का रास्ता दिखाते हुए इंडिया की ओर लाया, ठीक है बेटा। और कालीकट केरला का एक कोस्टल एरिया है, कालीकट, जहां पे क्या था उस समय का जो वहां पे किंग हुआ करता था, किंग जेमोर्नी, जेमोर्नी ने क्या किया, उनका वहां पे वेलकम किया था, किसका, वास्को डी गामा का। मतलब
केप ऑफ गुड होप, कहीं कहीं यूरोपियन जो यूरोप के पर्सन थे उनको लिए एक होप था, किस चीज का, जो हम लोग इंडिया को तलाश सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन माइंड होगा, व्हाई द यूरोपियन आर इन सर्च ऑफ इंडिया। माय डियर स्टूडेंट्स, यूरोपियन आर इन सर्च ऑफ इंडिया बिकॉज दे वांट्स, देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क, इंडियन कॉटन एंड सिल्क इन द यूरोपियन मार्केट। जो यूरोपियन मार्केट हुआ करता था बेटा, वहां पे क्या था, सिल्क कॉटन, जो इंडियन सिल्क और कॉटन होते थे उसके बहुत सारे डिमांड हुआ करते थे। तो फुलफिल दैट डिमांड्स क्या हुआ, पहले तो वो लोग लैंड रूट को जानते थे, बट टर्की क्या हुआ, वार हुआ तो टर्की ने क्या किया, लैंड रूट को बंद कर दिया। जब लैंड रूट क्लोज हो गया उन्होंने क्या किया, सी रूट से इंडिया को तलाशना शुरू किया, खोजना शुरू किया, डिस्कवर करना शुरू किया। इसी तरह कोलंबस इंडिया को खोजते खोजते कहां, यूएसए पहुंच गया था, ठीक है, और उसका नाम क्या था, वेस्ट इंडीज का खोज कर रहा था, ठीक है। लेकिन 1498 में, आपको 1488 में बार्टोलोमियो डियाज ने क्या किया, केप ऑफ गुड होप का खोज किया, ठीक है। और 1498 में क्या किया, एक पुर्तगाल सेलर नेविगेटर वास्को डी गामा डिस्कवर इंडिया, एंड ही फर्स्ट अराइव एट व्हिच कोस्ट, ही फर्स्ट अराइव एट कालीकट, ओके, वेयर ही वाज वेलकम्ड बाय द किंग नोन जमोर्नी ने क्या किया, वहां पे इसका वेलकम किया। और जब वास्को डी गामा ने क्या किया, कुछ समय इंडिया में रहने के बाद जब यहां से हमारे भारत के मसाला समझते हो ना, जो लोग सब्जी में डालते हैं, वो मसाला लेके जब वो ब्रिटेन गया, जब वो अपने पुर्तगाल अपने देश को लौटा, तो वो ऐसा कहा जाता है 60 गुना बेनिफिट पाया, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। अब ऑटोमेटिक है, कोई भी मर्चेंट क्या देता है, जहां पर उसे अधिक बेनिफिट होती है उस गुड्स को वो सेल करना चाहता है, ठीक है। तो जो इंडियन मसाला था, स्पाइसिस था, जो इंडियन मसाला हुआ करता था, चाहे इंडियन कॉटन हुआ करते थे, चाहे इंडियन सिल्क हुआ करते थे, इन सब के यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करता था। अब देखो स्पाइसिस का क्यों डिमांड होता था, अब यूरोप क्या है, एक कोल्ड क्लाइमेट है। अब बेटा कोल्ड क्लाइमेट में क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेट में लोग क्या करते हैं, मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। अब मीट खाने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, जो मीट के ऊपर मसाला लगा के खाते हैं, उससे उनको बहुत टेस्टी फूड लगता है। इसलिए यूरोपियन मार्केट में क्या था, डिमांड था इंडियन स्पाइसेस का, इंडियन कॉटन का, इंडियन सिल्क का। इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो यूरोपियन नेविगेटर थे वो सी रोड के तलाश में घूमा करते थे। और ब्रिटेन भी क्या था, एक यूरोपियन नेशन था, इसलिए ब्रिटेन भी क्या किया, भारत की ओर खोजना शुरू किया, ठीक है बेटा। अब याद रखना, जॉन मिल्डेनहॉल, ये क्या थे, जॉन मिल्डेनहॉल वाज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू केम टू इंडिया, बट जॉन मिल्डेनहॉल केम थ्रू द सी, थ्रू द लैंड रूट, एंड राफेल फेंच केम टू इंडिया टू विजिट औरंगजेब कोर्ट, नहीं, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड इन 1599, ओके, इन 1599 व्हाट हैपेंड, द रिच मर्चेंट ऑफ ब्रिटेन एस्टेब्लिश ए कंपनी एंड दैट कंपनी इज नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी। What is the name of that company? The name of that company is East India Company. Okay? East India Company. Okay? कब इसका गठन हुआ? 1599 में. किसके द्वारा? Some of the rich merchant of Britain. Okay? Some of the rich merchant of Britain in 1599 established East India Company, and the real name of East India Company is real name. What is the real name of East India Company? Real name is Governor
गवर्नर्स एंड मार्चेंट, गवर्नर एंड मार्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज. ओके, इन 1599 द रिच मर्चेंट ऑफ ब्रिटेन एस्टेब्लिश ए कंपनी एंड द नेम ऑफ दैट कंपनी इज ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, द रियल नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज गवर्नर्स एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज. ओके, ईस्ट इंडीज, दिस इज द रियल नेम ऑफ दैट कंपनी. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इन 1600 दिस कंपनी गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, इस कंपनी को क्या मिला? जो वहां की क्वीन थी, क्वीन कौन थी? एलिजाबेथ टेलर. कौन थी क्वीन? एलिजाबेथ टेलर. ठीक है, एलिजाबेथ टेलर प्रथम, एलिजाबेथ टेलर प्रथम, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट गिव द परमिशन और गिव और ग्रांट ए चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन द ईस्ट, टू ट्रेड इन द ईस्टर्न साइड्स. ओके, मतलब जो 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, दिस कंपनी को क्या हुआ 1600 में 31 दिसंबर 1600 में इसको क्या मिला? एलिजाबेथ टेलर प्रथम से एक चार्टर साइन करके मिला, एक ग्रांट मिला. किसी से ग्रांट मिला बेटा? टू ट्रेड इन द ईस्ट. ओके, ईस्ट में क्या हुआ? ट्रेड करने की एक मोनोपोली मिली. मींस कोई दूसरा ब्रिटेन का आदमी, जो इस कंपनी के अलावा कोई और ब्रिटेन का नागरिक या जाके इंडिया में ट्रेड, ईस्टर्न पार्ट में जाकर ट्रेड नहीं करेगा. ठीक है, तो ये परमिशन किसको मिला बेटा? ये परमिशन मिला किसको? गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज. ओके, आफ्टर गेटिंग द परमिशन, ओके, आफ्टर गेटिंग द परमिशन क्या हुआ? ये लोग कहां पे आए? भारत में. इन दे कम्स टू इंडिया फॉर ट्रेड. ओके, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हु आर द फर्स्ट पर्सन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट जहांगीरपुर? ठीक है, क्या हुआ? इन 1600 में परमिशन मिला. ठीक है, 1600 में क्या हुआ? इस कंपनी को परमिशन मिला इंडिया में ट्रेड करने का. ठीक है, अब 1608 में, ठीक है, 1608 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट सेंट हिज एम्बेसडर नेम कैप्टन विलियम हॉकिंस टू जहांगीर कोर्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो ट्रेड का परमिशन कौन दे दिया? क्वीन एलिजाबेथ दे दिया. ठीक है, आफ्टर गेटिंग परमिशन क्या हुआ? जो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस क्या हुआ? जहांगीर कोर्ट में एज ए एम्बेसडर ऑफ ब्रिटेन जहांगीर के कोर्ट में उपस्थित हुआ. ठीक है, और व्हाट इज द मोटो ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस? ये चाहते थे कि भारत में क्या हो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ट्रेड करने का मौका मिले. इसके लिए क्या हुआ? जहांगीर कोर्ट को विजिट किया, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज एम्बिशन. ठीक है, इनको सक्सेस नहीं मिला. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1615 में? ठीक है, एक अनदर पर्सन को जहांगीर के कोर्ट में सेंड किया गया और हिज नेम वाज थॉमस रो. ठीक है, इन 1615 जहांगीर कोर्ट में दूसरा एम्बेसडर कौन आया ब्रिटेन का? थॉमस रो आया एंड ही वाज सक्सीड. ये अपने काम में क्या किया? सक्सेस कर गए. और इनको क्या मिला? जो जहांगीर था वो बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है, बिना चुंगी का, बिना टैक्स का इनको ट्रेड करने की अनुमति दे दी. ठीक है, बिना चुंगी का ट्रेड करने का अनुमति किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को.
ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गया। अब देखो बेटा, जब तुम देखोगे इस तरह से इंडिया को, ठीक है, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया को, इधर क्या है बेटा, ईस्टर्न पार्ट है, इधर वेस्टर्न कोस्ट है, इधर ईस्टर्न कोस्ट है। मेरे बेटा क्या था, जो वेस्टर्न कोस्ट है इस पे उसमें पुर्तगाल का कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा कि 1611 में, ठीक है, मुसुलीपट्टनम में, ठीक है, मुसुलीपट्टनम क्या एक कोस्ट है 1611 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपना फर्स्ट टेम्पोररी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया कहां पे, मुसुलीपट्टनम में। बट इट वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ होम, मुसुलीपट्टनम वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर। तो याद रखना, इंडिया में अगर आपसे कोई पूछे इंडिया में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाएगा, योर आंसर इज मुसुलीपट्टनम when in 1611, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर मुगल एम्पायर के बात किया जाए, मुगल एम्पायर में सबसे पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पे एस्टेब्लिश किया था बेटा, 1613 में, कहां पे, सूरत में, ठीक है, सूरत में। और 1615 में थॉमस रो जब आया तो इसको क्या हुआ, सक्सेस मिला, क्या, मुगल एम्पायर में फ्री ट्रेड करने का, ठीक है बेटा, ट्रेड करने का इसको सक्सेस मिला, ठीक है। अब देखो, जो ये ब्रिटेन है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1600 से लेके 1633 तक, 1616 से लेके 1633 तक इसने क्या किया, अपना डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपना फैक्ट्री लगाया, ठीक है। उसी में क्या है, मुसुलीपट्टनम में लगाया, वेन 1611 में, ठीक है बेटा। और कहां लगाया, हरिहरपुर में लगाया, और कहां लगाया, बलसोर में सेटअप किया, क्या किया, अपना फैक्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1616 to 1633, ठीक है। अब देखो, ये सब करने के बाद क्या हुआ, 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया में एक शहर को एस्टेब्लिश किया, किसको एस्टेब्लिश किया बेटा, एक शहर को एस्टेब्लिश किया, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिटी, द नेम ऑफ दैट सिटी इज, इन 1639 द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश ए सिटी, नेम इज मद्रास, ओके। 1639 में क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्या किया, एक सिटी को एस्टेब्लिश किया, एंड द नेम ऑफ दैट सिटी इज मद्रास, ओके। एंड 1651 ईस्ट इंडिया कंपनी arrived Bengal and established his fort near the river Hooghly. 1651 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पहुंचा, बंगाल में, कहां पहुंचा बेटा, बंगाल में, और क्या किया, on the bank of river Hooghly they established their forts in Bengal, and this is the entrance of the British East India Company to the Bengal, to the province of Bengal. सबसे पहले क्या किया, मद्रास को establish किया, and later Madras become one of his province, and in 1651 East India Company arrived to Bengal and they established their fort on the bank of river Hooghly, and later Bengal become their main province, okay. And remember it that in 1661 द प्रिंस ऑफ ब्रिटेन चार्ल्स मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ पुर्तगाल, हिज हर नेम वॉज, व्हाट इज हर नेम, हर नेम वॉज वेट, हर नेम वॉज कैथरीन,
ओके कैथरीन वाज हर नेम, ठीक है। इन 1661 द प्रिंस ऑफ ब्रिटेन हिज नेम चार्ल्स मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ पुर्तगाल, ओके, एंड हिज नेम वाज कैथरीन, ओके। जो ये शादी और वैवाहिक संबंध हमारे किसके बीच में, इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच में, और इस वैवाहिक संबंध का नतीजा क्या हुआ, पुर्तगाल ने क्या किया, बॉम्बे दहेज के रूप में, डॉरी के रूप में किसको प्रदान किया, चार्ल्स को, प्रिंस चार्ल्स को, ठीक है। दहेज के रूप में पुर्तगाल ने क्या किया, बॉम्बे को किसको दिया, बॉम्बे को किसको दिया बेटा, बॉम्बे को दिया ईस्ट इंडिया का, बॉम्बे को दिया चार्ल्स को। चार्ल्स ने क्या किया 1661 में मैरिज हुआ, और 1668 में चार्ल्स ने क्या किया, जो बॉम्बे है, बॉम्बे ये किसको दे दिया, बॉम्बे किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कितना पे, 10 pounds पर एनम पे, ठीक है। मतलब 1661 में जो ब्रिटेन का प्रिंस हुआ करता था चार्ल्स ने क्या किया, पुर्तगाल के प्रिंसेस राजकुमारी से शादी की, ठीक है, और उस प्रिंसेस का क्या नाम था, कैथरीन, ठीक है। शादी किससे किया गया, पुर्तगाल के प्रिंसेस से, ठीक है, उसका नाम क्या था बेटा, कैथरीन नाम था, ठीक है। शादी होने के बाद क्या हुआ, डॉरी दहेज में पुर्तगाल ने क्या किया, बॉम्बे किसको दे दिया, चार्ल्स को। अब चार्ल्स ने क्या किया 1668 में बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और फलस्वरूप उसके रिजल्ट में वो 10 pounds पर एनम ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया करता था, ठीक है। एंड इन 1697 में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को एस्टेब्लिश किया, सॉरी कोलकाता को एस्टेब्लिश किया, तीन अलग अलग विलेज को मिला के एक सिटी का निर्माण किया, जो कलकत्ता था, वो क्या था 1697 में, ठीक है बेटा। अब देखो कितना प्रोविंस ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया, सबसे पहला प्रोविंस क्या था वो बेटा, मद्रास, जिसको कि वो 1639 में एस्टेब्लिश किया। उसके बाद 1651 में मुगल एम्पायर के परमिशन से उसको ट्रेड करने की अनुमति मिली का बंगाल के रीजन में, ठीक है, और 1661 में उसको क्या मिला, बॉम्बे, और 1668 में उसने बॉम्बे को क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, कितने पे, 10 rupees pounds पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ 1668 में वो किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1697 में तीन विलेज को मिला के, ठीक है, एक कोलकाता का निर्माण किया, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो अब क्या हुआ, ब्रिटेन के, जो ब्रिटेन था उसका जो ट्रेड एरिया था वो तीन प्रोविंस में सीमित था, कौन कौन सा, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। यही प्रोविंस आगे चल के भी क्या था, ब्रिटेन का एक पॉलिटिकल कंट्रोल का पावर बना, ठीक है बेटा। आफ्टर दैट क्या हुआ, और याद रखिएगा कि जब 1639 में, ठीक है, जब मद्रास को एस्टेब्लिश किया था कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वहां पे एक फोर्ट बनाया था, एंड द नेम ऑफ दैट फोर्ट इज फोर्ट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, वहां पे बनाया था क्या थे फोर्ट, एंड द नेम ऑफ दैट फोर्ट